हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने मैं फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरे 3.5-3 इंच के पीस हैं और ये मेरे 12 पीस हैं। 12 पीस ये हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से डिज़ाइन बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये डिज़ाइन आप जितने भी पीस लेंगे, जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं, उतने ही हम इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो जितने भी मेरे पीस हैं, आपस में हम इन पीसों को ऐसे लगा लेंगे। तो सारे पीस हम ऐसे ही लगा लेंगे फ्रेंड्स। और फिर हमें, जैसे कि मैंने हर वीडियो में मैं आपको लाइन लगाना बताती हूँ, तो इसमें भी मैं आपको लाइन लगाना बता रही हूँ फ्रेंड्स। हमें ये डबल शेड के पीस चाहिए और जिससे कि जो भी हमारा डिज़ाइन है वो हमारे डबल शेड वाले पीसों से ही तैयार होगा। तो देखिए, मैंने लाइन लगा ली है इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो हमें बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलना है और हमें सारे पीस ऐसे ही लाइन लगा के सिलने हैं। तो मैं आपको ये सारे पीस सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम बीच में से इसको कट करेंगे और डबल शेड का पीस तैयार करेंगे। तो ऐसे ही हमें डबल शेड का पीस, देखिए मैंने कट कर लिया, ऐसे ही हमारा डबल शेड का पीस तैयार हो गया। तो हमें इसे इस तरीके से रखना है और इसको ऐसे प्रेस कर देना है जिससे कि हमारा अच्छे तरीके से ओपन हो जाए। तो देखिए इस तरीके से, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे कि इसको इस तरीके से रखेंगे और इन नेल्स की मदद से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए, ये भी हो गया। तो हम सारे ऐसे ही कट कर लेते हैं फ्रेंड्स और उसको इस तरीके से कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने ये पीस सारे कट करके और इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये 3 इंच का बोर्ड ले लिया है। अब हम इसको 3 इंच के बोर्ड को इस पे रखेंगे। ये देखिए, अब जो भी मेरा ये एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। इनको फिनिशिंग से ऐसे ही हम सारे पीसों को फिनिशिंग से कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फिनिशिंग से कट ज़रूर कर लीजिएगा, वरना हमारा छोटा मोटा मार्जिन भी डिज़ाइन को ख़राब कर सकता है। तो मैं, ये मेरा बिल्कुल थोड़ा सा है पर इसको भी मैं फिर भी कट कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कीजिएगा। ये देखिए, अब मेरा जो भी एक्स्ट्रा है मैं इसको कट कर रही हूँ। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा बिल्कुल फिनिशिंग से कट हुआ है। और जब भी हम इसको कट करेंगे फ्रेंड्स, निशान लगाएंगे, तो हम इस बोर्ड को कोने से कोने ज़रूर मिलाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख देना फ्रेंड्स कि कोने से कोना मिला होना चाहिए और जो भी हमारा साइड साइड में एक्स्ट्रा हो उसी को ही हम कट करें। तो ऐसे ही मैं सारे पीस कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आगे का डिज़ाइन सिलना बताऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे पीस कट हो गए हैं और मैंने इनको 3-3 इंच नाप लिया है, नाप के कट कर लिया है। तो अब हम इनका डिज़ाइन सेट करेंगे। तो मैं पहले डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है और अब मैं इनको बारी बारी सिलूँगी। तो जैसे ये हो गया फ्रेंड्स, पहले हम इसको यहाँ रख के सिलेंगे, फिर उसके बाद फिर इसको पलट के यहाँ सिलेंगे और फिर इसके बाद इसको इस पे रख के सिलेंगे। तो ऐसे ही हम बारी बारी ये लाइन सिल लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये लाइन सिल गई है। ऐसे ही हमें ये सारे पीस लाइन वाइज सिलते हैं। तो मैं ये सारे पीस सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे सिल गए हैं। अब हमें इनको पलट के सिलना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पीस हम इसके ऊपर रखेंगे और एक तरफ के डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे इन जॉइंट को, तो दूसरे के डायरेक्शन इस तरफ। और यहाँ हम पिन लगा लेते हैं इन 3 जॉइंट पर
और फिर हम इसको ऐसे सिल देंगे। तो मैं पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिनअप कर लिया है, ये देखिए, और मेरे ही सारे पीस एक ही डायरेक्शन में हम रखेंगे इस तरफ, और इधर के पीस सारे इस तरफ। तब हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस हो गया है। अब हम इस पीस को इस पर रखेंगे और फिर से जॉइंट को मिलाएंगे या पिनअप करेंगे, और ये देखिए, ये हमारे पीस इस डायरेक्शन में आएंगे। तो हमें इस साइड का पीस इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो हम इसको पिनअप कर लेते हैं, और फिर पिनअप करने के बाद हम इसको यहाँ से सिलेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा हो गया। अब ऐसे ही हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे फ्रेंड्स, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे, और जैसे हमें जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, अगर ये पीस इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमें ये पीस इस डायरेक्शन में लेने हैं। तो ऐसे हम इसको सिल देंगे जॉइंट से जॉइंट को मिला के। फिर हम इसको लेंगे, इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे, और फिर इसको भी यहाँ रखेंगे, सिल देंगे और ये पलट देंगे। तो हमारा पीस इस तरीके से तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो आप भी जब इसको ऐसे डिजाइन को बनाएं, तो आप ऐसे ही चार चार पाँच पाँच की तरह के, जैसे ये हमने एक सेट तैयार किया है, ऐसे ही आप चार छः सेट तैयार करके तभी जॉइंट कीजिएगा। तो देखिए, मेरा ये कंप्लीट हो गया है। तो आप ऐसे ऐसे डिजाइन का कुछ भी यूज कीजिए फ्रेंड्स। तो आप ऐसे डिजाइन का पर्दे बनाइए, टीवी कवर, फ्रिज कवर, सोफ़ा कवर, या बच्चे की बेड शीट, बिछौनी, या ब्लैंकेट, आपका जो दिल करे आप वही बनाइए, और इस डिज़ाइन को कुछ ना कुछ यूज लीजिए। अगर आपको पायदान बनाना है तो आप इसको पायदान भी बना सकते हैं। अगर आपको इसको आसन बनाना है तो आसन भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो डिज़ाइन मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको जिस डिज़ाइन में यूज करना चाहें, जिस चीज़ में यूज करना चाहें, उसमें आप कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।